यूजीसी के लिस्टेड फ्री ऑफ सबमिशन पब्लिकेशन चार्जेस इंडियन जर्नल्स इन सोशल बिहेवियरल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज। दोस्तों आज हम उन 10 यूजीसी के लिस्टेड जर्नल्स की बात करेंगे जो फ्री ऑफ एनी सबमिशन, फ्री ऑफ एनी पब्लिकेशन चार्जेज हैं और वो सोशल बिहेवियरल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज के हैं, सामाजिक व्यवहारिक जो विज्ञान है और मानविकी से संबंधित हैं। तो उन जर्नल्स को लिस्ट करने की कोशिश की है आज के इस वीडियो में, और 10 कौन से जर्नल्स हैं जो फ्री ऑफ चार्ज हैं, और कोशिश की गई है कि उन ऐसे जर्नल्स को सेलेक्ट करना जो इजी प्रोसेसिंग रखते हो, हालांकि अपनी क्वेरी करना रिकमेंडेड है पब्लिकेशन से पहले। चलिए जानते हैं कि सोशल बिहेवियरल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज के कौन से जर्नल्स हैं। इसमें सबसे पहला है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, सोशल साइंस स्टडीज का, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस स्टडीज का SSS, ठीक। और इसका सब्जेक्ट है सोशल साइंसेस में ये पब्लिकेशन करता है, सभी सोशल साइंसेस में करता है, और जनरल जो इसका फोकस सब्जेक्ट है वो जनरल सोशल साइंसेस ही है। इसका मतलब सोशल साइंसेस के जो भी रिलेटेड फील्ड्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनमें यह जनरल पब्लिकेशन करता है। और इसका पब्लिशर जो है वो एकेडमी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस करके है, और जो इंग्लिश लैंग्वेज में है पब्लिकेशन करता है अपना, ठीक है। तो जो भी आप इसमें रिसर्च पेपर भेजें हम इंग्लिश लैंग्वेज में ही भेज सकते हैं। और जो इसकी पीरियोडिसिटी है, जो भी उसकी फ्रिक्वेंसी है छापने की, बायनुअल है, साल में 2 बार छापता है। हालांकि जिसको पहले के जो पब्लिकेशन थे जनरल के वो क्वार्टरली भी थे, तो फिलहाल ये बायनुअल है जो इसकी वेबसाइट पर लिखा है, आप उसको विजिट कर सकते हैं। और जो पब्लिकेशन चार्जेस हैं, इसमें कोई भी पब्लिकेशन चार्जेस नहीं है, प्रोसेसिंग फीस फ्री, पब्लिकेशन फीस फ्री है जर्नल्स है। और जो इसके एडिटर हैं, एडिटर इन चीफ हैं, वो डॉक्टर अभिषेक शर्मा हैं, यहाँ इनका लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ें। आप जब जर्नल को वेबसाइट विजिट करेंगे तो आप देखेंगे। और जिसका मोड ऑफ सबमिशन है, आप सबमिट कैसे करेंगे पेपर, ठीक है, आप इच्छुक हैं करना चाहते हैं पब्लिश इसमें, तो मोड ऑफ सबमिशन जो है इसका ऑनलाइन सबमिशन सिस्टम है। रिसेंट में ये ग्रोइंग जर्नल है तो ऑनलाइन सबमिशन सिस्टम इन्होंने अभी इसमें ऐड किया अपने जर्नल में। इसमें आप ऑनलाइन जाके वहाँ अपना पेपर सबमिट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं कि वेबसाइट में, और तो वो उस माध्यम से ही आपका सबमिशन लेते हैं। और जो उसका मोड ऑफ पब्लिकेशन है, प्रिंट में भी आता है, हालांकि इसकी जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो ऑनलाइन इनकी वेबसाइट में उपलब्ध होती है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं जर्नल को एक अच्छा और शुरुआती रिसर्चर्स के लिए, और एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म हो सकता है अपने रिसर्च को पब्लिकेशन करने के लिए। और बाकी सजेशन की बात करूँ, बाकी इसको आप छापने से पहले तो उसकी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें, जो मेरा सजेशन है। और जो प्रीवियस पब्लिश आर्टिकल्स हैं, जो रिसर्च पेपर्स हैं, उनको देख लें कि आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो आपका रिसर्च पेपर है, क्या उनसे मेल करता है, सूटेबल है, या कोई ऐसा यानी स्पेशल इशू है जो जर्नल ने लॉन्च किया है, कॉल फॉर पेपर है, वो आप देख लें उसमें, और तभी अपना मैन्युस्क्रिप्ट भेजें, ताकि आपका समय भी बचे और आपको दिक्कतें भी ना हो। इसलिए अपना हो सकता आप एब्स्ट्रैक्ट उनको दे दें, एब्स्ट्रैक्ट अपना भेज दें एडिटर को, पूछ लें कि मेरा ये सूटेबल है, उससे आपका टाइम बचता है और आपका रिसर्च पेपर फ्री रहता है किसी दूसरे जर्नल में सबमिट करने का। तो चलिए नेक्स्ट जर्नल की बात करते हैं, वो सेकेंड है सोसाइटी एंड कल्चर इन साउथ एशिया। सोसाइटी एंड कल्चर इन साउथ एशिया जो ये जर्नल है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के माध्यम से छपता है, सेज पब्लिकेशन इसको छापता है, और इसका जो सब्जेक्ट है वो सोशल साइंसेस के ऊपर है। ऑल सोशल साइंसेस जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें यह पेपर पब्लिकेशन होता है इस जर्नल में। और फोकस जो इसका सब्जेक्ट है वो जनरल सोशल साइंसेस, एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र जो होता है, ठीक, और सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के ऊपर यह पब्लिकेशन करता है। और पब्लिशर जो इसका है, जैसा कि मैंने कहा, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, और सेज के द्वारा यह पब्लिश होता है। सेज पब्लिकेशन एक रेपुटेड पब्लिशर है, तो इसमें छपा हुआ पेपर अच्छी बात है, अच्छा रेपुटेड आपका मैन्युस्क्रिप्ट होगा जिसकी अपनी पहचान होगी, और जिसमें पेपर छपता है वह इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में ही छपता है। और उसकी पीरियोडिसिटी है, जो इसकी फ्रिक्वेंसी है छपने का, इसका बारंबारता है जो
साल में कितनी बार छपता है, तो साल में 2 बार छपता है, बाई एनुअल है, पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन है, ठीक। और पब्लिकेशन चार्जेस इसमें मेंशन नहीं है, और ज़्यादातर जो भी इस टाइप के जर्नल होते हैं वह फ्री ऑफ कॉस्ट ही होते हैं, फ्री ऑफ पब्लिकेशन चार्जेज ही रहते हैं, जो अच्छे पब्लिशर के साथ होते हैं, और बेसिकली जो यूनिवर्सिटी से छपते हैं वो फ्री ऑफ पब्लिकेशन प्रोसेसिंग चार्जेज ही रहते हैं। हालांकि वेबसाइट में कहीं लिखा नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर फ्री ऑफ पब्लिकेशन चार्ज नहीं लिखा है, ठीक। तो आप फिर भी उसको विजिट करें, पूछ लें एक बार, है ना। और जो एडिटर हैं इनके, एडिटर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट इसको छापता है, वहीं के जो जो वहाँ पर जो विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, वो इनका एडिटिंग का काम करते हैं, आप विजिट करके देख सकते हैं। और जो मोड ऑफ सबमिशन है इसमें पब्लिकेशन पेपर का, वह ऑनलाइन सबमिशन सिस्टम के थ्रू ही होता है, इसमें लिंक भी दिया है, आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको दिख जाएगा, उसमें आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। जो भी रेपुटेड जर्नल्स होते हैं, ज़्यादातर जो आप स्कोपस में वेब ऑफ साइंस के जो डेटा बेसिस के जो जर्नल्स हैं उनमें ईमेल के थ्रू आप सबमिट नहीं करते, उसमें आपको ऑनलाइन सबमिशन सिस्टम के थ्रू ही सबमिट करना होता है। तो यह भी जर्नल उसी प्रोसीजर को फॉलो करता है। और मोड ऑफ पब्लिकेशन इसका दोनों है, प्रिंट भी है छापता है, ऑनलाइन भी है छापता है, जिसके आईएसएसएन नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। बाकी जो सजेशन है इसका, सजेशन भी वही है जो पिछले जर्नल में था, कि विजिट द वेबसाइट, आप वेबसाइट विजिट करें और प्रीवियस पब्लिश आर्टिकल देखें सुटेबिलिटी के लिए अपने मार्क्स के लिए, ठीक। इसके रिसर्च जर्नल पे वेबसाइट में आप जाएं, आपके सारे ही रिसर्च जो पेपर छपे हैं वो एक्सेसिबल हैं, तो उसको आप देखें, आपको सुटेबल लगता है आपका रिसर्च पेपर तो आप उसको भेज सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हालांकि आप मेल भी कर सकते हैं उनको पर्सनली उस विषय में, आप हो सकता है मेल एंटरटेन ना करें तो आप ऑनलाइन सबमिशन सिस्टम के थ्रू सबमिट कर लें, अपना एक मानस की भी सुटेबिलिटी चेक कर लें कि मेरा मानस की कितना सुटेबल है जर्नल के लिए, अगर मेरा टाइम ख़राब ना हो, क्योंकि बाय एनुअल जर्नल है, हो सकता है आपका काफ़ी समय तक रिस्पॉन्स ना आए और आए तो फिर रिजेक्ट हो जाए, इसलिए उनसे पहले कॉन्टैक्ट करने से आपका टाइम भी बचता है और आप फ्री भी रहते हैं किसी दूसरे जर्नल में सबमिट करने के लिए। इसलिए मैं एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करना, एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू क्वेरी करना रिकमेंड करता हूँ कभी भी रिसर्च पेपर के पब्लिकेशन के लिए। और जो थर्ड जर्नल है, थर्ड रिसर्च जर्नल है सोशल बिहेवियरल साइंस ह्यूमैनिटीज का, वो स्टडीज इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस करके है, SHSS इसको शॉर्ट में इस जर्नल ने इसको इस ढंग से इसको किया है, लिखा हुआ है। और जो इसका सब्जेक्ट है वो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस, और जो फोकस सब्जेक्ट्स हैं इसके वो जनरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज और जनरल सोशल साइंसेस, ठीक। तो जनरल आर्ट और ह्यूमैनिटीज, जनरल सोशल साइंसेस के जो भी रिसर्च आर्टिकल हैं, मैनुस्क्रिप्ट हैं, इसमें आप कंसिडर होंगे। और जो इनका जो लाइन है मैं इसमें पढ़ देता हूँ, जो उन्होंने लिखी है जर्नल में अपनी वेबसाइट में, द जर्नल एंगेजेज ऑन ए कंसेप्चुअल प्लान विद इश्यूज रिलेटिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड सोसाइटी, ठीक है। मैन, सिविलाइज, कल्चर और सोसाइटी से जो भी आपका जुड़ा हुआ रिसर्च आर्टिकल है उसको एंटरटेन करेंगे, उसमें ध्यान देंगे। और इफ टेक्स दिस कंसर्न एज बोथ इट्स रेगुलेटिव एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूटिव मैक्सिम, तो वही रिकमेंडेशन है, आपकी रिसर्च पेपर देखें, सबसे जो वैलिड तरीका होता है वही होता है कि जो प्रीवियस पब्लिश रिसर्च आर्टिकल्स हैं उनको देखने से आपको एक अच्छा अनुमान मिल जाता है कि आपका रिसर्च आर्टिकल उस लायक है, ऐसा भेजने लायक है या नहीं है। और जो इसका पब्लिशर है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला का पब्लिशर है इस जर्नल का, और लैंग्वेज इंग्लिश है, इंग्लिश में छापता है अपना। और पीरियोडिसिटी जो है इस जर्नल की वह अभी बाई एनुअल है, पीयर रिव्यूड है, इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल है, ठीक। पब्लिकेशन चार्जेस इसमें मेंशन नहीं है, और जहाँ तक कि होप है कि यह फ्री है, पब्लिकेशन चार्जेस में नहीं होंगे। और बाकी जो उनके एडिटर हैं, प्रोफेसर एमपी सिंह हैं, नेशनल फेलो एंड एडिटर रहे हैं इस जर्नल के, इनका मेल आईडी भी यहाँ पर है, हो सकता है आप उसको इनको मेल करके अपना एब्स्ट्रैक्ट से डिस्कस कर सकते हैं कि मेरा इसमें छपने लायक है या नहीं सर, या आप सबमिट करें जैसा आपको ठीक लगे। और मोड ऑफ सबमिशन जो है मेंशन तो नहीं है वेबसाइट में कैसे सबमिट करना है, क्योंकि जो इंडियन जर्नल्स हैं उनमें उतना रिफाइंड काम नहीं होता, किसी जर्नल्स में मोड ऑफ सबमिशन तो लिखा नहीं, लेकिन मेल आईडी दी है
तो आप मेल में इनको मेल कर लें, या सपोर्ट कॉन्टैक्ट हैं कोई, इनके असिस्टेंट हैं उनको मेल कर लें, तो मेल आईडी दी हुई है ठीक, तो उनसे आप कन्फर्मेशन कर लें और तभी अपना मार्कशीट सबमिट करें। और मोड ऑफ पब्लिकेशन जो इसका है प्रिंट में है, हालांकि सॉफ्ट कॉपी जो होती है रिसर्च जर्नल की वो वेबसाइट में इनकी अपलोड होती है, वहाँ से भी आप पूरे जर्नल के सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी यही खास बात है कि आपको सॉफ्ट कॉपी भी वेबसाइट में मिल जाती है, कोई भी आदमी उसको पढ़ सकता है, एक्सेस कर सकता है। हाँ, जहाँ रिकमेंडेशन की बात है वही है, आप पहले मैन्युस्क्रिप्ट दें, और मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करने से पहले पूरा एक बार जो प्रीवियस पब्लिश रिसर्च आर्टिकल्स हैं उस जर्नल के उसको पढ़ लें, देख लें सुटेबिलिटी के लिए, और एक बार कॉन्टेक्ट कर लें जर्नल के एडिटर से अपने एब्स्ट्रैक्ट के साथ। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं, जो चौथा जर्नल है वैदिक वाग ज्योति, वैदिक वाग ज्योति करके है, ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार से छपता है, हालांकि संस्कृत वेद डिपार्टमेंट से छपता है, हालांकि ये हिंदी इंग्लिश संस्कृत तीनों ही लैंग्वेज में छपता है, इसलिए जो आप हिंदी से जुड़ा हुआ है, जो भी वैदिक लिटरेचर से जुड़ा है, जो भी इस टाइप का संस्कृति या संस्कृति से जुड़े हुए जो भी रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो आप इनमें भेज सकते हैं, और फ्री ऑफ एनी कॉस्ट एनी चार्जेस रिसर्च जर्नल है, और इसकी आपको हार्ड कॉपी वो देते हैं फ्री में ठीक, तो आप उनको मेल करके अपना रिसर्च पेपर भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं, और इजी प्रोसेस आपका रहेगा वो सब पब्लिकेशन का। आप फोन में बात भी कर सकते हैं उनसे। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज है, फोकस सब्जेक्ट का जनरल आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज है, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज संस्कृत और जो भी है ओरिएंटल स्टडीज से जुड़े हुए रिसर्च पेपर सब आप इसमें भेज सकते हैं, प्राचीन जो भी स्टडीज हैं प्राचीन विचारधाराएं हैं उनसे जुड़ा हुआ सारा रिसर्च आर्टिकल आप इसमें भेज सकते हैं। प्रोफेसर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश और संस्कृत है ठीक। पीरियोडिसिटी जो है इसकी वैदिक वाग ज्योति इज हाफ ईयरली रिफर्ड पीयर रिव्यूड इंटरनेशनल वैदिक जर्नल ऑफ गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हरिद्वार ठीक। और पब्लिकेशन चार्जेस के कोई भी पब्लिकेशन प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है इस रिसर्च जर्नल में पब्लिश करने का, तो एक अच्छा और एक सही सोर्स हो सकता है आपकी पीएचडी थीसिस सबमिशन के लिए, और एक यूजीसी के लिस्टेड जर्नल में पब्लिकेशन करने के लिए। उनके एडिटर हैं प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल इसमें मैंने लिखा हुआ, बाकी फ़ोन नंबर भी वेबसाइट में है, वहाँ से आप फ़ोन नंबर लेकर उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, आपको जब उचित लगे ऐसा कि बात करनी चाहिए अपने मैन्युस्क्रिप्ट को लेके। और मोड ऑफ सबमिशन जो है, मैन्युस्क्रिप्ट शुड बी सबमिटेड टू एडिटर बोथ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड हार्ड कॉपी, वो जैसा कहें उनसे आप मेल कर लें, बात कर लें। और मोड ऑफ पब्लिकेशन सबमिट करें, मेल कर दें उनको अपना रिसर्च पेपर, प्रिंट में ही है जनरल पब्लिश होता है छपता है, और यह अवेलेबल रहता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में, इसकी जर्नल की पूरी ही कॉपी सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल रहता है पीडीएफ में ठीक। और इसका सजेशन की बात करूँ तो सजेशन यही है, आप एक बार कॉन्टेक्ट कर लें उनसे, और मेल कर लें चाहे कॉल कर लें उनसे, अपने एब्स्ट्रैक्ट की सुटेबिलिटी के लिए, अपने मैन्युस्क्रिप्ट की सुटेबिलिटी के लिए, हो सकता है कोई स्पेशल इशू वो निकाल रहे हैं उस पर आप बात कर लें तो, और प्रीवियस पब्लिश आप आर्टिकल्स भी देख लें जिससे कि आपको आसानी हो, टाइम आपका बचे। बाकी नेक्स्ट में बढ़ते हैं, वो फिफ्थ है इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के ऊपर है, सोशल साइंसेस के ऊपर है जर्नल ठीक। जो साइकोलॉजी और ऑल साइकोलॉजी विश्व इसका फोकस सब्जेक्ट है इस जर्नल का, और जिसके पब्लिशर हैं जर्नल के इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, लैंग्वेज इसका इंग्लिश है, इंग्लिश में ही इसमें छपता है, और पीरियोडिसिटी बाइनुअल है, पब्लिकेशन चार्जेज इसमें मेंशन नहीं है, और जहाँ तक है कि एसोसिएशन का और एक अच्छा रिसर्च जर्नल है तो इसमें पब्लिकेशन चार्जेज फ्री होंगे, जहाँ तक लिखा नहीं है इसलिए अगर मैंने फ्री नहीं लिखा है, प्रोसेसिंग चार्जेज फ्री या नो चार्जेज ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो एडिटर जो है इनके एडिटर जितेंद्र मोहन है, जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, और जो जर्नल के फाउंडर एडिटर हैं, खास बात है कि जो एन एन सेन गुप्ता थे जिन्होंने भारत में शुरुआत की थी मनोविज्ञान की, वो इस जर्नल के फाउंडर एडिटर हैं। तो साइकोलॉजी के जो भी स्टूडेंट हैं
तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, या बहुत एक जानने वाली बात भी है कि इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी के जो फाउंडर रहे हैं एनएल सेन गुप्ता, उन्हीं की ही कड़ी में आगे बढ़ते हुए जितेंद्र मोहन इनके अभी करंट में एडिटर हैं, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, एडिटर हैं इनके। तो इसमें भी आप कंसिडर कर सकते हैं अपना रिसर्च आर्टिकल। अब आप देख लें, क्योंकि कुछ जर्नल इंडियन ऐसे होते हैं जिनमें काफ़ी लेट प्रोसेसिंग या रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता, इसलिए अपना कांटेक्ट कर लें या एब्स्ट्रैक्ट के साथ उनसे कांटेक्ट करें, ताकि आपको पता चल जाए भाई क्या उनका रवैया है, कैसी उनकी इच्छा है छापने या न छापने को लेकर। और सबमिशन मोड है इनका, मेल आईडी है, कांटेक्ट नंबर है, आप उनसे कांटेक्ट कर लें, और प्रिंट में ही यह छपता है। ठीक, बाकी आप और डिटेल्स उनसे पूछ लें, और सजेशन यही रहेगा कि आप एक बार एब्स्ट्रैक्ट उनको डिस्कस कर लें जर्नल के एडिटर से अपना ये रिसर्च पेपर का, ताकि सुटेबिलिटी उनको भी पता चले, आपको भी पता चले जर्नल का क्या रिस्पॉन्स है, और एडिटर को भी पता चले कि आपके पेपर की क्वालिटी कैसी है। और सिक्स्थ है इंडिया, द इंडियन जर्नल ऑफ ओपन लर्निंग। द इंडियन जर्नल ऑफ ओपन लर्निंग जो है एजुकेशन में फोकस्ड, ये रिसर्च जर्नल है, इग्नू से छपता है, सोशल साइंसेस का है, और फोकस सब्जेक्ट एजुकेशन है, तो एजुकेशन में स्पेशली छापता है। एजुकेशन जुड़ा हुआ आपका कोई शोध विषय हो या आपके पास तैयार हो, तो उसको आप भेज सकते हैं इस जर्नल में। आप पब्लिशर हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, और लैंग्वेज इसका इंग्लिश है पब्लिकेशन का, और पीरियोडिसिटी जो है इसकी क्वार्टरली है, ये क्वार्टरली है। अभी तक के जितने भी जर्नल मैंने डिस्कस किए वो हाफ ईयरली थे या बाई एनुअल थे, साल में 2 बार छपते थे। हाँ, तो ये क्वार्टरली है, वह साल में 3 बार छपता है, जनवरी में, मई में और सितंबर में। तो आप इसमें भेज सकते हैं, और पब्लिकेशन चार्जेस इसमें मेंशन नहीं है वेबसाइट में, हो सकता है फ्री हो, जहाँ तक चांसेस हैं ऐसे जनरल में फ्री ही होता है। और एडिटर जो इनके हैं प्रोफेसर रामपल्ली सत्यनारायण, डायरेक्टर हैं इनके, और स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इनके डायरेक्टर हैं स्ट्राइट के इग्नू में, और इसके एडिटर भी हैं जनरल के। और मोड ऑफ सबमिशन इसका ऑनलाइन सबमिशन सिस्टम है, आप मेल के थ्रू इसमें सबमिट नहीं कर सकते, आपका भी लिंक दिया हुआ है, इसमें आप सबमिट कर सकते हैं। जब आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको लिंक वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको अपलोड कर सकते हैं अपना रिसर्च पेपर या मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, और मोड ऑफ पब्लिकेशन प्रिंट में है, हालांकि जो पेपर होगा आपका, जो जर्नल का इश्यू होगा, जर्नल का जो कॉपी होगी सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन अवेलेबल होगी जर्नल की वेबसाइट पर। ठीक, हाँ, इसमें भी यही है जो आपका सजेशन है इसी को लेके है, आप एक बार प्रीवियस पब्लिश आर्टिकल्स देख लें, हालांकि हो सकता है आपका पेपर थोड़ा उससे मिलता जुलता कम हो, ताकि एक बार टाइम बचे, और या कांटेक्ट कर लें एडिटर से, अपने एब्स्ट्रैक्ट उनको भेज लें, डिस्कस कर लें। अब सेवंथ की बात करते हैं प्रज्ञा। ठीक, प्रज्ञा जो जर्नल है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से छपता है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज इसके सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एरिया फोकस्ड सब्जेक्ट जनरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज और एजुकेशन के ऊपर जनरल है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस से छपता है, और हिंदी और इंग्लिश इसकी लैंग्वेज है पब्लिकेशन की, दोनों ही लैंग्वेज में आप इसमें सब्जेक्ट अपना पेपर भेज सकते हैं, हिंदी में भी या इंग्लिश में है तो इंग्लिश में। और पीरियोडिसिटी है, बायनुअल है, एज फॉर एज पॉसिबल प्रज्ञा विल बी पब्लिश ट्वाइस ईयर वंस इश्यू एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ द एकेडमिक सेशन, एकेडमिक सेशन जब शुरू होता है, ठीक, जुलाई अगस्त के टाइम में एक, और दूसरा मालवीय जयंती के टाइम में छापते हैं, तो 2 इश्यूज हर साल ही छापते हैं, इनकी कोशिश ऐसी रहती है कहते हैं। और पब्लिकेशन चार्जेस मैंसर्ड नहीं है वेबसाइट में, और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि फ्री होगा पब्लिकेशन चार्जेस में, क्योंकि यूनिवर्सिटी बेस्ड जैसे जनरल में पब्लिकेशन चार्जेस नहीं होते हैं। और बाकी जो एडिटर हैं उनके प्रोफेसर श्रीनिवास पांडे जी हैं, जनरल के एडिटर हैं। और मोड ऑफ सबमिशन जो है इसका, वह करस्पॉन्डेंस के थ्रू इन्होंने लिखा है, इन्होंने कुछ ऐसे ना वहाँ पे ना मेल आईडी लिखी है ना फ़ोन नंबर लिखा है, तो उनको आप रीच करें, कॉल करें, देख लें एक बार कि कैसे छापते हैं, इनको मेल से लेना चाहते हैं तो। मोड ऑफ पब्लिकेशन प्रिंट है, और सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल रहती है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जनरल की। प्रज्ञा जो जनरल है उसका ये सजेशन मैं आपको दूंगा कि
एडिटर को जरूर कांटेक्ट करें आप मैन्युस्क्रिप्ट भेजने से पहले, और उनका मोड ऑफ सबमिशन ठीक से पता कर लो। तो आगे बढ़ें, जो 8th है वो गांधी मार्ग, गांधी मार्ग जनरल है कि गांधी मार्ग से आप समझ रहे हैं, गांधी विचारधारा जो है उससे जुड़ा हुआ जनरल है, और ये ह्यूमैनिटीज आर्ट्स ह्यूमैनिटीज का सोशल साइंसेस का जनरल है। फोकस सब्जेक्ट इसका फिलोसफी सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस है। ओरिजिनल कंट्रीब्यूशंस ऑन थीम्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस फॉलिंग अंडर द ब्रॉड एरिया ऑफ गांधीयन स्टडीज आर इनवाइटेड फ्रॉम स्कॉलर्स एंड प्रैक्टिशनर्स। ठीक है, तो गांधीयन स्टडीज कहते हैं कि उनसे जुड़े हुए जो रिसर्च पेपर हैं उनको भेजें, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के जो भी सब्जेक्ट हैं उनमें कहते हैं। और बाकी आप देख लें जो प्रीवियस पब्लिश आर्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, किस एरिया कवर करते हैं, उस हिसाब से आप अपना आर्टिकल की सूटेबिलिटी, मानस की सूटेबिलिटी जान सकें। इनके पब्लिशर है गांधी पीस फाउंडेशन न्यू दिल्ली है, लैंग्वेज इंग्लिश है, और पीरियोडिसिटी ये भी एक क्वार्टरली जर्नल है। ठीक, जून सितंबर दिसंबर और मार्च में छापता है, 4 times in a year, 4 जो जिसके एक साल में निकलते हैं, और पब्लिकेशन चार्जेस कोई भी नहीं है, पब्लिकेशन फ्री है, नो फीस आर चार्ज फॉर सबमिशन और पब्लिकेशन इन दिस जर्नल। तो एडिटर जो है इनके जॉन एस मूलकट्टू, जॉन एस मूलकट्टू प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के प्रोफेसर हैं, इनके एडिटर हैं। तो इनसे आप मेल मेल कर ले, कांटेक्ट कर लें, यहाँ पर मेल आईडीज दी हुई हैं, सबमिशन से पहले अपना एब्स्ट्रैक्ट भेज के उनसे कांटेक्ट कर लें। ठीक है, गांधीयन स्टडीज से या गांधी विचारधारा से या पीस या ऐसी कुछ जुड़ी हुई बातें उनसे जुड़ा हुआ आप रिसर्च पेपर भेज सकते हैं। रिकमेंडेड है कि आप जरूर कॉन्टैक्ट करें जर्नल के एडिटर से, और प्रीवियस पब्लिश मानस प्रीवियसली पब्लिश रिसर्च पेपर्स जरूर देखें, उसके आधार पर आप समझ लेंगे कि आपका मानस के कितना सुटेबल है। और जो 9th है वो बहुवचन, ठीक है, प्रिंट में छपता है केवल, प्रिंट ओनली लिखा है, और यह वर्धा महाराष्ट्र से छपता है, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेस इसका सब्जेक्ट है, और फोकस सब्जेक्ट जनरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज और जनरल सोशल साइंसेस का सब्जेक्ट है, फोकस सब्जेक्ट है, और पब्लिशर जनरल के हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र। ठीक, और हिंदी में ही यह केवल छपता है, हिंदी के जो स्टूडेंट हैं वह इसमें अपना पेपर कंसिडर कर सकते हैं छात्र। और जो पीरियोडिसिटी है इसकी क्वार्टरली है, बहुवचन क्वार्टरली जनरल है। ठीक, क्वार्टरली मतलब साल में 3 या 4 बार छपता है, क्वार्टरली कहते हैं, या 2 से ज़्यादा बार छपता है साल में, हो सकता है 3 या 4 इशू आते हों। ठीक, और इसमें पब्लिकेशन चार्ज मेंशन नहीं है, तो फ्री ही होगा ये जर्नल, क्योंकि यूनिवर्सिटी छापती है, इसलिए मैंने यहाँ पर उन्हीं जर्नल को लिस्ट किया है, या तो उसमें क्लियरली लिखा है कि यह इसमें पब्लिकेशन चार्जेज नहीं है, या वो यूनिवर्सिटी बेस्ड जर्नल है, या किसी संस्था द्वारा पोषित जर्नल है, या उसका पेरेंट इंस्टीट्यूट कोई गवर्नमेंट से जुड़ी हुई संस्था या कोई रेपुटेड संस्था है, तो वह पब्लिकेशन चार्ज नहीं करते हैं। तो एडिटर अशोक मिश्रा जी हैं इनके जर्नल के, और जो उनका संपादकीय संपर्क है आप यहाँ देख सकते हैं, जो एडिटोरियल कॉन्टैक्ट के लिए गांधी हिल्स पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, और इनका फ़ोन नंबर भी है और इनका मेल आईडी भी है, आप मेल से इनको कॉन्टैक्ट करें या कॉल करें जैसा आपको उचित लगे, और वेबसाइट में भी सारी बातें हैं, आप वहाँ से भी ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। और मोड ऑफ सबमिशन भी मेंशन तो नहीं है, लेकिन मेल है, कॉन्टैक्ट है, तो आप उसको पूछ लें कि सर हम सबमिट करना चाहते हैं तो कैसे करें, और अपना टॉपिक भी डिस्कस कर सकते हैं एडिटर से। और मोड ऑफ पब्लिकेशन प्रिंट में है, हालांकि सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल रहती है और वेबसाइट में यूनिवर्सिटी की। ठीक, और यही रिकमेंड मैं करूँगा कि आप पहले पब्लिश आर्टिकल्स देख लें उस रिसर्च जर्नल के, और यह भी पूछ लें कोई स्पेशल इशू तो नहीं है, क्योंकि ये जर्नल स्पेशल इशू भी निकालता रहता है, तो कॉन्टेक्ट करें एडिटर को या वेबसाइट में विजिट करें, स्पेशल इशू है तो उनसे डिस्कस करें, उस ढंग से अपना पेपर तैयार करें, या तैयार है तो उनसे डिस्कस करें। तो ठीक, तो चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं, वो जो फाइनल है जो और लास्ट जो रिसर्च जर्नल है हमारी लिस्ट का, तैयार लिस्ट का, उसका नाम है पुस्तक वार्ता, जो भी वर्धा इस सेम यूनिवर्सिटी से छपता है और सेम उसके एडिटर हैं, प्रिंट में छपता है केवल, ये भी मल्टी डिसिप्लिनरी है, मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब
जुड़े हुए जो भी सोशल बिहेवियरल साइंस से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं उनसे जुड़ा हुआ है। हालांकि हिंदी विश्वविद्यालय से है तो हिंदी में ही छपता है, तो हिंदी से ही जुड़े हुए कोई विषय हो, सोशल बिहेवियरल साइंसेज के भी हो सकते हैं। आप उसमें जब जाएंगे वेबसाइट में या पुराने आर्टिकल्स देखेंगे, रिसर्च पेपर्स देखेंगे, तब आपको अनुमान हो जाएगा। और पुस्तक वार्ता बाई मंथली जनरल है, बाई मंथली उन्होंने लिखा है, फिर भी आप देख लें और उनसे कॉन्टेक्ट कर लें। और पब्लिकेशन चार्जेज इसमें मैंसन नहीं है, अनुमान है कि फ्री होगा, पब्लिकेशन चार्जेस में नहीं होगा कोई भी। और एडिटर अशोक मिश्रा जी हैं इसके भी, और इनका भी कॉन्टैक्ट यहाँ लिखा है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, कॉल करके देख लें, या वेबसाइट आप विजिट करें, वहाँ सारी बातें हैं। और मोड ऑफ सबमिशन मैंसन नहीं है, लेकिन आप कॉन्टैक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं, मेल आईडी है, उन अपना एब्स्ट्रैक्ट डिस्कस कर सकते हैं। और प्रिंट में छपता है केवल, ISSN नंबर यहाँ पर है, और सॉफ्ट कॉपी जनरल की वो वेबसाइट में, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में अवेलेबल रहती है पब्लिकेशन के बाद। तो इन सब जर्नल्स की खास बात यह है कि आपको या कुछ परचेज नहीं करना पड़ेगा सॉफ्ट कॉपी, हार्ड हार्ड कॉपी का तो मैं नहीं कह सकता, हाँ कि सॉफ्ट कॉपी तो आपको इजीली फ्री में अवेलेबल हो जाएगी बिना किसी कॉस्ट के। हालांकि हाँ, रिक्वायरमेंट इसकी जो मेन क्या है किसी भी जर्नल की, इनकी, कि आपका रिसर्च मानस के सुटेबल होना चाहिए बस उस जर्नल के, यह पहली रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए उनसे कांटेक्ट करें, स्पेशल इशू के लिए आप कांटेक्ट करें, पूछें एडिटर से, या रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, मैं रिकमेंड करता हूँ किसी भी रिसर्चर को पेपर सबमिट करने से पहले। ठीक, तो यह तो ये 10 जर्नल की लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, आप इन सारी जर्नल्स को आप डिस्कस करके देख लें, उनसे कॉन्टेक्ट करके देख लें कि भाई कौन सा जर्नल ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, किसमें पेपर पब्लिश होने के आपके चांसेस हैं। तो सोशल बिहेवियरल साइंस और ह्यूमैनिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इन 10 में से एक ने एक जर्नल तो आपको अपने लायक मिल ही जाएगा, ये मेरी आशा है। तो इसी प्रकार के नॉलेजेबल इंफॉर्मेशंस के लिए, रिसर्च टिप्स के लिए और लेक्चर्स के लिए और स्पिरिचुअलिटी और मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए नॉलेज शेयर के लिए हमसे जुड़े रहें, मिलेंगे इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव रिसर्च टिप्स के साथ, नॉलेज के साथ। थैंक यू।